डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 34 नंबर एपिसोड करेंगे। साथ ही आपका एपिसोड मंडे को 12 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली दो चार टॉपिक्स बचेंगे, लेकिन अधिकतर टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। लास्ट एपिसोड हम लोग करेंगे 12 तारीख को मंडे को, तो उसके लिए आप रेडी रहें। उसके बाद रिविजन वर्क चलेगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना कुछ पढ़ लिया, रिविजन नहीं किया, सब बेकार। तो रिवीजन वर्क उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस भार से मुक्त हो जाएंगे कि डेली इतने सारे टॉपिक्स करने हैं। अब आप अपनी सुविधा पर इसे रिवाइज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और करंट अफेयर्स करंट में करते जाना होगा। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें आज मॉडर्न इंडिया हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मॉडर्न इंडिया में आज राष्ट्रीय आंदोलन के नारे हैं, स्लोगन्स हैं, जैसे जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत में एक एक कील साबित होगी। तो ये सब बड़ा अच्छा स्लोगन है जो बराबर एग्जाम्स में आता है। ये करेंगे, साथ में आप करेंगे समाचार पत्र करेंगे, तत्कालीन जो राष्ट्रीय आंदोलन के समाचार पत्र थे। उसके बाद हम लोग आज ज्योग्राफी का एक टॉपिक कर रहे हैं, जलमंडल हम लोगों ने किया था, आज हम लोग कर रहे हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स को समझना है, किस लेयर में किस गैस की प्रधानता है, कहां पर मौसमी घटनाएं होती हैं, किस लेयर में हवाई जहाज उड़ता है, या किस लेयर से रेडियो तरंगे लौट कर धरती पर आती हैं जिस पर हमारे अप्लायंसेस चलते हैं। अलग अलग लेयर्स, उनके गैसेस, उनमें होने वाले घटनाक्रम, ये सब आप एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स का एक टॉपिक रेगुलर कर रहे हैं, और आज अच्छा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स, यानी हम लोगों ने राष्ट्रीय झंडा तिरंगा कब अपनाया, राष्ट्रगान कब अपनाया, राष्ट्रगीत कब अपनाया। तो ये सब राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय घटनाक्रम कब अपनाए गए, इनमें क्या था, इसकी रचना किसने की, इसके घटनाक्रम किस किस ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं, तो ये आप करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक सिंबॉल्स। उसके बाद हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली बार मैग्नेटिज्म लिया था, आज हम लोग कर रहे हैं परमाणु भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स। इसमें बेसिकली एटम्स और उसकी संरचना को समझते हुए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनका एक्जिस्टेंस कहाँ है, कौन न्यूक्लियस में रहता है, कौन बाहर में ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है, साथ ही कैथोड और एनोड रेस को समझना है, और सेमी कंडक्टर के साथ डायोड और ट्रायोड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप करेंगे एटॉमिक फिजिक्स परमाणु भौतिकी फिजिक्स में। और बायोलॉजी का एक टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सिस्टम्स ऑफ द बॉडी हम लोग कर रहे हैं, आज श्वसन तंत्र है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें मुख्य रूप से लंग्स की क्रियाओं को आप समझेंगे, साथ ही नासा मार्ग यानी नजल पैसेज के साथ साथ ट्रैकिया को समझेंगे, और किस प्रकार लंग्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके विभिन्न पैसेजेस को जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं, उन पैसेजेस को समझना है, ये किसके बने हुए हैं, बराबर एग्जाम्स में आ जाता है कि लंग्स के ऊपर की झिल्ली क्या कहलाती है। तो ये सब आप करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में, बायोलॉजी में। उसके बाद हम लोग स्पीडी काजी के जीएस रेलवे सामान्य अध्ययन से दो तीन टॉपिक्स कर रहे हैं, तीन पेजेस अभी हम लोग ले रहे हैं। इसमें आज हम लोग 74, 75, 76 तीन पेजेस कर रहे हैं, जिसमें पहले पेज पर आपको जो पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ स्वतंत्रोत्तर काल में, उसके मंत्रिमंडल को यहाँ पर दिया हुआ, उसे समझना है। और दर्रे पासेस हैं, नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो पासेस हैं, और भी कई सारे फैक्ट्स हैं। उसके बाद वेरी नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो संवैधानिक विकास है, और भी कई सारे बॉक्स बनाकर तथ्य फैक्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो तीन पेजेस करना है, 74, 75, 76। अंदर में हम लोग फिर बीच के कुछ टॉपिक्स करते हैं, जिसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेगुलर एग्जाम्स में आते हैं, वो यहाँ 6 पेजेस में वन लाइनर्स के रूप में दिए हुए हैं। इसे आप अच्छे से करें, इससे ही क्वेश्चंस कई आपको आने वाले एग्जाम में दिख जाएंगे। आज हम आपको तीन पेजेस दे रहे हैं, तो तीन पेजेस कर रहे हैं, नेक्स्ट पेजेस हम लोग इकोनॉमी के कर लेंगे, वन लाइनर्स के रूप में दिए हुए हैं। और उसके बाद हम लोग 10 सेट्स करते हैं, तो आज ये 10 सेट्स भी कर लेना है जीके जीएस से। साइंस वाले सेगमेंट से केवल एक सेगमेंट हम लोग कर रहे हैं, और वो हम लोग कर रहे हैं 7 मॉडल सेट्स, जिसमें आज 226 से लेकर 232 7 मॉडल सेट्स करना है, विज्ञान वाले रेलवे सामान विज्ञान से। और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार से कुछ पेजेस लेते हैं, धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर है, आज हम लोग केवल 6 पेजेस करेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स चूंकि बड़ा टॉपिक है, लगातार ये चल रहा है, आज जो 2 पेजेस हम लोग कर रहे हैं उसमें निर्वाचन आयोग है और नीति आयोग है, तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, 2 पेजेस यहाँ पर। और लास्ट में आप आएंगे, बीच के पेजेस भी करने हैं, लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर हम लोग इकोनॉमी के पेजेस कर रहे हैं। अब इसमें वित्तीय बाजार का, फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा पेज आपको करना है इकोनॉमी से, 24 घंटे का टॉपिक आपको मिल गया, इसे आप कंप्लीट करें। जहां तक संभव हो प्रायोरिटी आप दें, पहले बुक्स के टॉपिक्स को, उसके बाद करंट अफेयर्स, तब आप करेंगे एनसीईआरटी सार। टेक केयर।